हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन संविदा से रिलेटेड है। सुना है कि संविदा शिक्षक टलने की संभावना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में लगभग 72,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उससे आधे पदों पर भर्ती की जा रही है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा है, नहीं, एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2018 में भी भर्ती निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टाल दी गई। यदि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं तो जो आपका रिजल्ट आने में और जॉइनिंग होने में 8 महीने का टाइम लग सकता है। और इन्फॉर्मेशन डिटेल से जानने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं सूचना। दोबारा प्रक्रिया शुरू हो तब भी गुजर जाएगा शिक्षण सत्र। भोपाल उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा और 19 जनवरी 2019 से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के टलने का दंश प्रदेश भर में लाखों विद्यार्थियों को भोगना पड़ेगा। ये तब है जब प्रदेश में जितने शिक्षक की ज़रूरत है उससे आधे पदों पर ही भर्ती की जा रही है। प्रदेश में 72,000 शिक्षकों की ज़रूरत है। कई बार भर्ती की बात चली, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब ये भी टाल दी गई। यदि जनवरी फरवरी में भर्ती परीक्षा होती है तो परिणाम आने से लेकर जॉइनिंग तक में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, जिससे प्रदेश भर में स्कूलों में नए शिक्षकों के पदस्थ होने का समय बढ़ जाएगा। बोर्ड कह चुका है कि तकनीकी कारणों से ये परीक्षा टाली गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनावों के बाद का दौर है। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, तैयारी करना छोड़िए नहीं, क्योंकि परीक्षा होगी। रिजल्ट चाहे बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा देना है, इसलिए तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये टलने की संभावना है तो अभी पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।